नमस्कार, मैं हूं सुदीप राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं जो नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत ये बैनर लगाए गए हैं, ये होल्डिंग लगाए गए हैं। जब ये होल्डिंग आप देख सकते हैं जिस तरीके से हवा चलती है या तूफान आते हैं तो ये होल्डिंग ये बैनर सड़कों पर गिरते हैं और जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं उनके ऊपर जब गिरता है तो एक्सीडेंट होता है। लेकिन आखिर जो ये होल्डिंग लगे हैं, जो ये अवैध होल्डिंग लगे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नोएडा अथॉरिटी से जब बात की जाती है, उनके प्रशासन से बात की जाती है, ऋतु महेश्वरी से बात की जाती है, तो वो सब चुप्पी साधते हैं और इस प्रश्न से वो बिल्कुल ही अपना मुंह फेर लेते हैं। जनता जब उनके पास अपनी समस्या लेकर जाती है तो जनता को भी चुप करा देते हैं। लेकिन जब तमाम शिकायतों के बाद आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके मेरे पीछे कितने होल्डिंगों के पूरे अंबार लगे हुए हैं। आखिर इन होल्डिंगों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, क्योंकि जब इस सड़क के नीचे से ऋतु महेश्वरी की गाड़ी जब गुजरती होगी, हूटर के माध्यम से जब वो जाती होंगी, उनको ये होल्डिंग साफ तौर से दिखाई देता होगा, अस्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा, तो फिर इस पूरे प्रकरण पर ऋतु महेश्वरी चुप्पी क्यों साधी हुई है? नोएडा अथॉरिटी में लगे ये गैर कानूनी होर्डिंग्स दे रहे हैं बड़े हादसों को दावत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत लगे उन तमाम बड़े होर्डिंग्स की जो काफी जर्जर हालत में। न्यूज वर्ल्ड इंडिया को लगातार इनकी शिकायतें आ रही थी। आज जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर इसकी तहकीकात करने पहुंची तो ऐसे हजारों होर्डिंग्स की बाढ़ लगी दिखी। चाहे हम बात करें नोएडा सेक्टर 122 की या सेक्टर 10 की या फिर बात करें कालिंदी कुंज की, सवाल यह उठता है कि आखिर इन होर्डिंग्स का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों नोएडा अथॉरिटी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुई है? आखिर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में या फिर यह होर्डिंग्स प्रशासन की मिली भगत से लगाए गए हैं? कौन अधिकारी है जो ये सब कुछ खुलेआम करवा रहा है? आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि ऐसे ही होर्डिंग्स बैनर लगे हुए हैं जो कि मात्र तेज हवाओं के झोंके से हिलते नजर आ रहे थे। इस समय हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 10 में। आप देख सकते हैं जो पीछे मेरे ये अवैध होल्डिंग लगी है, ये किस तरीके से हवा के झोंकों मात्र से ये किस तरीके इसमें कंपन होता है और किस तरीके से लगातार हिलता डुलता आपको नज़र आता है। आखिर इस अवैध होल्डिंग को अगर लगाया गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? कौन लगवाया? किसकी रजामंदी से ये अवैध होल्डिंग लगी? क्या ये जो अवैध होल्डिंग लगी है, अगर आधी तूफान अगर आता है या हवाएं जब जोर से चलती हैं, अगर ये कपता है, ये हिलता है, तो क्या ये किस मौत का दावा दे रहा है? जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, जो इस सड़कों से चलते हैं, यदि आधी और तूफान काफ़ी अधिक तेज़ी से आती है तो क्या ये गिरता है? तो इस तमाम ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं ये नोएडा अथॉरिटी के ऊपर, चाहे बात कर लें ऋतु महेश्वरी के ऊपर, कहीं ना कहीं इसमें हर कोई सिकंजे में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि साफ तौर से आप देख सकते हैं कि हमने आपको कई जगह पर दिखाया जिस तरीके से अवैध होल्डिंगों का अंबार लगा नज़र आया आपको। आप पीछे देखेंगे मेरे तो जिस तरीके से एक जर्जर स्थिति में होल्डिंग लगी है और उसका जो पोल है वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, यानी कि वो कभी भी गिर सकता है। इस तरीके से वो दिख रहा, जिस तरीके दिखने में लग रहा है वो कभी भी गिर सकता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे जब तेज़ हवा चलती है तो किस तरीके से ये पीछे होल्डिंग लगी है, जो पोल लगा है, किस तरीके से बिल्कुल पूरा हिलता हुआ नज़र आता है, यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं ये कि कभी भी ये पोल सड़क पर आकर गिर सकता है और ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर तेज हवा और बारिश आ जाए तो बैनर जो पोल पर अभी तक टिके हुए हैं वो किसी के भी सर पर आकर गिर सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी को ये जानकारी नहीं है? वो अक्सर इन रास्तों से होकर गुजरती हैं। क्या उनकी नजरे करम इन हवा में झूलती मौतों पर नहीं पड़ी, जबकि उनकी अथॉरिटी के अंतर्गत ये तमाम अवैध होर्डिंग्स बैनर लगाए गए हैं? न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने साल भर पहले भी होर्डिंग्स के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया था और इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसका असर भी बखूबी देखने को मिला था। लेकिन कोरोना काल और दूसरी खबरों की व्यस्तता के चलते हमारा ध्यान इस मुद्दे से क्या हटा, एक बार फिर होर्डिंग्स माफिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और खास तौर से अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी से ये अपील करता है
कि जनहित में इन गैर कानूनी होर्डिंग्स को फौरन हटाया जाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत जो अवैध होर्डिंगें लगी हैं, क्या इस पर यहाँ का प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्या इस पर ऋतु महेश्वरी कार्रवाई करेंगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।